दोस्तों आज टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है मलाई दमानिया जी। हम उनसे एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेटजीज फॉर स्मॉल बिजनेसेस के बारे में बात करने के पहले एक रैपिड फायर राउंड शुरू करता हूं, क्योंकि अपना मेहमान मलाई जी के दिमाग को कुछ गुदगुदी कर देंगे। मलाई जी, मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूंगा और आपको दिमाग में जो भी आता है उसे साझा करना चाहिए एंड विदाउट थिंकिंग मच। ओके, आप तैयार है क्या? तैयार है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, पहला वर्ड है कि बिजनेस। बिजनेस एक वाहन है जो हमारे ड्रीम्स जो है, सपने है, वो साकार करने में मदद करता है। सुपर। ड्रीम बड़ा, सोच बड़ी होनी चाहिए। स्माइल। स्माइल है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वैश्विक एक ही भाषा है। सही है। होप। आशा पे दुनिया कायम है। मनी। शक्ति। मनी में शक्ति है, अच्छा करने में, बुरा करने में, बट मनी की शक्ति अच्छा करने में उसका उपयोग होना चाहिए। सही है। और एनिमल, जानवर। जू। फूड। ढाबे पे जो फूड खाने को मजा आता है नवीन जी, वो सही है। स्पेशली वो पंजाबी ढाबा जो भी वो खाट अरेंजमेंट्स करके रहते हैं ना, वो दैट इज सो गुड। हम हाईवे पे जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं हाईवे पे, तब जब एक ढाबा पे खाने की जो मजा आती है वो कहीं नहीं आती। फाइव स्टार में भी वो मैच नहीं कर सकते। सही है। प्लेस। होम स्वीट होम, घर। घर जैसा कोई प्लेस नहीं है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमारा परम लक्ष्य है सबका, सबको खुश होना, तो परम लक्ष्य। और फाइनली फोन। फोन हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है, तो सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दुश्मन भी। लोगों को अभी पता नहीं चल रहा, अभी 3 से 5 साल के बाद फोन डी एडिक्शन क्लिनिक्स बहुत ओपन हो सकते हैं। तो फोन का एडिक्शन ऐसा हो गया है ना नवीन जी, कि वो हमारे फोकस जो रहता है, एकाग्रता जो रहती है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। और वो हमारे जो काम में, जो काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसको वो नहीं करने देता। सही, तो फोन दोस्त तो है ही, लेकिन अभी दुश्मन ज्यादा होते जा रहा है। हाँ। उसका उपयोग इतना हो रहा है कि वो दुश्मन होते जा रहा है। सही, मैं भी एक ही बात करता हूँ। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूँ नवीन संभला, टीजीवी फाउंडर और चीफ होस्ट, मतलब व्यवस्थापक और मेजबान। हम दी गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और मलाई जी, फिर से आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मौके पे मैं रोशनी बरणियों का भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। रोशनी जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग वंडरफुल पीपल लाइक मलाई जी। नवीन जी, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे इनविटेशन दिया, यहाँ आने का मौका दिया, और एक मौका दिया कि आपके जो लोग हैं, आपके पॉडकास्ट जो सुनते हैं, उन तक मैं पहुंच सकूं और मेरे जो मेरे ओपिनियंस हैं, मेरे जो ख्यालात हैं, वो उन तक पहुंच सके। तो आपका धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माय प्लेजर सर। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं आपके करियर और जीवन के साथ, और आपका एलिवेटर पिच शेयर कीजिए टीजीवी ऑडियंस के साथ। तो मैं एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, और मेरा अभी नया जिंदगी का मकसद है कि मैं छोटे व्यापारी को साथ मिल के काम करूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ और उनको मदद करूं कि वो अपने व्यापार में ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके, और अपने जिंदगी का जो मकसद है, जो फाइनेंशियली जो उनके मकसद पूरे हो सकते हैं काफी सारे हमारे, वो उनको मदद कर सकूं कि वो मकसद में वो कामयाब हो सके। सही है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड आल्सो पॉडकास्टर, और पॉडकास्ट के बारे में हम एपिसोड के एंड में बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके इस 30 साल के सफर में ऐसे कौन से 3 चीज है जिसके वजह से आप इधर तक पहुंच सके, यानी आप बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच बन के बहुत लोगों को मदद कर रहे हैं आप? नवीन जी, 30 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जब ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बना 32 साल पहले, तो मैंने खुद ने मेरा अपना
प्रैक्टिस शुरू किया। अभी सबके अच्छा। पास दो दो चॉइस रहते हैं कि या तो आप एक कंपनी में लग जाओ, जॉब करो, अच्छा कमाई करो, या तो अपना खुद का कुछ नए से शुरू करो। और मेरे पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि भाई कोई मेरा फैमिली में ऐसा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था या कोई क्लाइंट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छे इंटेंशन से कुछ करना है, करके मैंने खुद का अपना शुरू किया बिजनेस। और उसमें काफी सारा मुश्किलें आई, मुश्किलों से फिर रास्ता भी निकलते गया। तीन चीज अगर मैं बोलू जो मैंने मेरे सफर में मुझे काफी सारा उपयोग हुआ, वो है मेरा ऑफकोर्स एक तो हार्डवर्क है कि आदमी को हार्डवर्क तो करना चाहिए, साथ में मेरा जो मेरे लोगों के साथ मेरा जो बात करना, लोगों को साथ में लेके चलने का एक मेरा मकसद था कि भाई मुझे अकेले में कुछ हासिल नहीं कर सकता हूँ, कुछ हासिल करना है तो हमको अपने लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने जो मेरा टीम बनाया, सबको लोगों को साथ लेके चलने का मेरा हमेशा कोशिश रहा। तो वो मेरा एक अच्छा, मेरी टीम ने मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया और उनकी वजह से आगे हम बढ़ सके। दूसरा है कि हमको हमेशा, एक भले सीए हो गए लेकिन पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। अच्छा। फिर वो हम कॉमर्स ग्रेजुएट हुए, सीए हुए, कुछ भी हुए, जिंदगी में पढ़ाई अगर आपने जिस दिन छोड़ दी, उस दिन आपका कर्व थोड़ा नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। भाई आप जो भी क्षेत्र में हो, वो क्षेत्र में इतना जल्दी सब डेवलपमेंट हो रहा है कि आपको उसके साथ चलने के लिए आपको अपने आप को भी कॉन्स्टेंटली जो ऊपर उठना पड़ेगा, और वो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप किताबें पढ़ो या कुछ ट्रेनर रखो या कुछ आप सेमिनार अटेंड करो, ट्रेनिंग करो, जो करना है, हर एक का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन वो करना जरूरी है। तो आपको एक अपने जो टेक्निकल स्किल है आपका, जो उसी में भी पढ़ाई करनी जरूरी है, और एक आपकी लीडरशिप स्किल है उसको भी आपको थोड़ा कॉन्स्टेंटली आपको देखना चाहिए कि इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो मुझे शुरू में नहीं समझ में आई, लेकिन काफी सालों के बाद समझ में आई, ठोकरें खाने के बाद समझ में आई। तो लेकिन अभी मैं ये जो यंगर जनरेशन के साथ भी बहुत काम करता हूँ, मेरा मकसद ये है कि जो मैंने सीखने के लिए इतने साल लगा दिए, अच्छा, अगर मैं कुछ उनसे शेयर करूं और वो कुछ साल, पांच साल में अगर वो सीख जाएगा, तो उनका जो ग्रोथ का जो स्पीड है, गति जो है, वो थोड़ा जल्दी हो सके। सही है, नाइस सर। और आगे बढ़ते हैं, आप छोटे और मध्यम व्यापारों के साथ काम करने में एक उद्यमी और व्यापार कोच, मतलब ये बिजनेस कोच के रूप में आपके अनुभव को साझा करें, मे बी 2-3 एग्जांपल्स। अनुभव ऐसे है नवीन जी के, मैं देखा है कि ये जो छोटे मध्यम उद्योगपति है, बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनती है वो लोग, वो मेहनत में पीछे नहीं हटते, वो ईमानदार है काफी मेहनत करने में, क्योंकि एक बार काम आया तो वो काम के पीछे अच्छे से लग जाते हैं, वो अपना सेक्रीफाइस करते हैं, समय नहीं देखते हैं, फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, और काफी अपने धंधे के अंदर वो घुस जाते हैं। उसमें ये हो जाता है कि वो, हम जो बोलते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं काम करने में, लेकिन हम मेहनत इतना सोचने में नहीं करते हैं कि हमारा बिजनेस के बारे में जो सोचना चाहिए कि जो हमको कहाँ, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको कहाँ पहुंचना है, हमको कैसे, हमको वो प्लानिंग करनी है बिजनेस में, कैसे स्ट्रैटेजी करने में, वहां पे थोड़ा वो लोग इतना नहीं सोचते हैं जितना मुझे लग रहा है कि सोचना चाहिए। वो एक अच्छा। बोलते हैं ना, वो तो नदी के प्रवाह के साथ जो चलते हैं, उसके साथ साथ में सुबह से शाम चलते रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसकी वजह से एक लिमिट तक हमारा ग्रोथ हो सकता है, लेकिन उसके बाद में हम कहीं ना कहीं हमारा जो प्रगति है वो रुक जाती है। अच्छा। और वो प्रगति रुकने के, उसको ऊपर उठने के लिए थोड़ा जो हमारा जो सोचने का तरीका है, थोड़ा वो बदलते हैं, थोड़ा सोचते हैं बिजनेस के ऊपर उठ के, तो हमारी, मुझे लग रहा है कि प्रगति काफी अच्छी तरह से हो सकती है। और अब चैलेंजेस यानी चुनौतियां के बारे में बात करेंगे। आपकी ओपिनियन में छोटे और मध्यम व्यापार को स्केल अप करने में कौन सी मुख्य चुनौतियां होती है, और वो इन चुनौतियों को कैसे पार कर सकते हैं?
या ये बड़ा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सबसे बड़ी चुनौती नवीन जी, जो मैं देखता हूँ, बहुत लोगों से बात करता हूँ, बोलते हैं सर धंधा है हमारा, जो प्रोडक्ट है हमारा, जो माल सामान है प्रोडक्ट है वो अच्छा है, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ग्राहक नहीं है। अच्छा, जो सेल होता है, बिक्री जो होती है, वो चाहिए उतनी नहीं है। ऑफकोर्स सब लोग व्यापार में है तो है, लेकिन वो जो स्केल करने के लिए ग्राहक नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती। अच्छा, दूसरी चुनौती जो वो फेस करते हैं, वो छोटे व्यापारियों को सब चीज खुद को करने की बहुत एक आदत पड़ जाती है, कि जब तक वो खुद डिसाइड नहीं करते, खुद नहीं करते, उनको वो जो संतोष नहीं मिलता है काम करने का। तो हम जो बोलते हैं डेलीगेशन, कि दूसरों से कैसे हम काम करवा सके, वो एक जो हमारे में जो कौशल होना चाहिए वो थोड़ा हम उसमें पीछे पड़ रहे हैं। मेरे को लग रहा है ग्राहक नहीं होना, तो ये दो मेरे ख्याल से मुख्य चुनौतियां है, और काफी सारी चुनौतियां तो रोज रोज में आती रहती है, लेकिन दो तीन चुनौतियों जो मैं अगर आपसे शेयर करूं, पहला चुनौती जो ग्राहक नहीं है, जो बिक्री कम होती है, उसका रीजन ये है हम अपने व्यापार में मार्केटिंग नहीं करते। एक मार्केटिंग होता है, एक सेल होता है। सेल यानी हम उतना हम ग्राहक को अंदर, लेकिन ग्राहक तभी आएगा जब हम अपना मार्केटिंग करेंगे। अभी तो ऑनलाइन भी होता है, लेकिन ऑफलाइन भी पहले इतना सालों से हो रहा था, कि हम मार्केटिंग का मतलब, नवीन जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर में ऐड दे दो या कोई बड़ा होर्डिंग लगा दो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले लोग, अगर मलाई को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मलाई बंदा अच्छा है, नॉलेजेबल है, जेन्यून है, तो फिर मलाई जो भी सर्विस देगा वो लोग ले लेंगे। लेकिन पहले मलाई को खुद को ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा लोगों के सामने कि भाई वो एक नॉलेजेबल, उसके पास कौशल है, उसके पास विद्या है, वो अच्छा सर्विस दे सकता है। तो हमारी खुद की ब्रांडिंग बनानी जरूरी है छोटे व्यापारी को खुद की। अगर मैंने आदमी को फर्स्ट पीपल बाय यू देन दे बाय योर प्रोडक्ट, पहले आपका ब्रांडिंग बनाओ, दूसरा चीज ये है कि आप काफी सा आपके सर्कल को थोड़ा बड़ा करो, कि लोग आपको देखे। अगर आप लोग, अगर आप, आपका विस्तार आपके छोटी लोकैलिटी में, छोटे एरिया में रह जाती है, तो लोग कहां से, आप अगर लोगों को पता ही नहीं है कि नवीन जी है, तो लोग आपसे बिजनेस कैसे करेंगे। आप पहले पता तो होना चाहिए कि भाई नवीन जी है और नवीन जी ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, तभी वो आपसे लेने का हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि पहले सेल, बाद में हम सेल के पीछे पड़ रहे थे कि भाई एक इंक्वायरी आया, हम सेल कैसे करते हैं कि भाई नवीन जी ने मलाई को कोई रेफरल दे दिया कि बाबा ये बंदा है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो मलाई ने सेल किया, तो मलाई का धंधा नवीन जी पे डिपेंड हो गया। नवीन जी जैसे 10 जन है जिसके पर मेरा धंधा डिपेंड हो गया, कि वो रेफरल देंगे तो मेरा बिजनेस होगा, वरना नहीं होगा। तो मुझे खुद की जो बोलते हैं हम लोग, एक पाइपलाइन बोलते हैं, वो क्रिएट करने पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को पता चले कि ये एक मलाई बिजनेस कोच है। उसके बाद में अगर मुझे ज्यादा इंक्वायरी आएगी तो मेरा सेल ज्यादा होगा। तो मेरे को लग रहा है ये जो बिक्री जो होती है, सेल जो कम होता है, उसका रीजन ये है कि हम मार्केटिंग नहीं करते हैं। अच्छा, अभी तो ऑनलाइन में नवीन जी आपका वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपका सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, आपके ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इतने सारे हमारे बजट में। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि खर्चा ज्यादा करो मार्केटिंग में, तो आप टाइम स्पेंड करो या तो पैसा स्पेंड करो, दोनों स्पेंड करने की जरूरत नहीं। अगर आपका बजट कम है तो आप थोड़ा खुद को इन्वॉल्व करके थोड़ा टाइम स्पेंड करो, तो आप ज्यादा लीड ला सकेंगे, तो आपका सेल हो सकेगा। मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चैलेंज है सेल छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए। दूसरा है थोड़ा माइंडसेट भी चेंज करो, कि भाई लोग आपके जो, आपका जो टीम है आपके साथ जो काम करते हैं, उनको भी थोड़ा ट्रेन करो, उनको भी थोड़ा, उनका कौशल थोड़ा बढ़ाने में उनकी मदद करो, उनको थोड़ी जवाबदारी दो काम करने की, उनको एक समझाओ कि कैसे काम हो सकता है, थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, और आपका जो काम है वो दिन सुबह शाम काम करने का नहीं है, आपका काम करवाने का है। तो हम बोलते हैं डूइंग
डूइंग नहीं है, मैनेजिंग है। डूइंग से मैनेजिंग के लिए थोड़ा अगर आप हमारा मनस्थिति करेंगे तो शायद हमारा वर्क थोड़ा और फ्री होगा, हमारा काम करने का तरीका भी चेंज होगा और हम स्केल अप जो हम बोलते हैं, हम स्केल अप तभी कर सकेंगे कि हम हमारे नीचे की टीम अच्छी तरह से ट्रेन। ठीक है, आप स्केल अप के बारे में बोले कि डूइंग से हम ट्रांजिशन होना कि मैनेजिंग तक जब हम बहुत टाइम फ्री कर सकते हैं। सो और कुछ सलाह है क्या ये व्यापार को स्केल अप करने के लिए? कुछ व्यवहारिक कदम कौन से है जिन्हें छोटे और मध्यम व्यापार अपना सकते हैं? सो स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स फॉर स्केलिंग अप। करेक्ट। तो नवीन जी, मेरा है ना, मेरा एक मैं वेबिनार चलाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ कि 7 ऐसे बेसिक फंडामेंटल है कोई भी व्यापार के, पिलर्स बोलते हैं ना, वो खंभे बोलते हैं, 7 पिलर है और 7 पिलर पे हर एक व्यापारी को उसका काम, उसके पर काम करना ही चाहिए। और मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ वो 7 पिलर कॉन्सेप्ट है। एक तो है आपका लक्ष्य, आपको कहाँ क्या करना क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, आपको क्या हासिल करना है आपके बिजनेस के जरिए। तो पहला है लक्ष्य, दूसरा है आपका प्रोडक्ट, यानी आप कौन से प्रोडक्ट में काम करते हैं उसमें आपको थोड़ा स्पेशलाइज एक्सपर्टीज होना चाहिए। आप ऐसा एकदम जनरली नहीं करते, थोड़ा उसमें आपका कौशल ज्यादा होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में, राइट? आपका प्रोडक्ट में और कॉन्स्टेंटली उसको आप थोड़ा अच्छा करते रहो। आपका प्रोडक्ट में आप क्या बेचते हो और आप कैसे बेचते हो, दोनों चीज पे आप काम करो। तीसरा मार्केटिंग है जिसके बारे में थोड़ा हमने अभी बात किया। चौथा सेल है कि आप मार्केटिंग की जरिए आपके पास इंक्वायरी तो आ गया लेकिन अभी आप उसको क्लोज कैसे करोगे, उसका भी कुछ, उसको भी कुछ तकलीफ है तभी वो आप, तो आप उसको एलिवेटर पिच, आपने मुझे बताया आपका एलिवेटर पिच क्या है, आप कैसे उनको बोलेंगे कि आप कैसे अच्छे से आप क्लोज कर सके, सेल करे, कस्टमर बना रहे। पांचवा आपका टीम बिल्डिंग है, उसके बारे में हम थोड़ा बात किया, टीम बिल्डिंग पर बहुत, आपका जो लोगो है उसके साथ कैसे काम करें। छठा पिलर है नवीन जी आपका एग्जीक्यूशन, यानी आप कैसे आपका कस्टमर आने के बाद उसको आप कैसा अनुभव कराते हैं आपके साथ काम करने से। तो इसके लिए आपके पास चेकलिस्ट है कि आप कैसे काम करोगे, आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। बड़ी, ये क्या है, लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो बड़ी कंपनी के लिए, मेरे लिए नहीं है, मेरा तो छोटा धंधा है उसके लिए नहीं है। लेकिन सर मैं सबको, आपके आपके जो भी सुनने वाले हैं देखने वाले हैं, उन सबको बताना चाहता हूं कि अगर मेरी छोटी कंपनी में, छोटे बिजनेस में अगर मैं मेरा चेकलिस्ट में नहीं बनाऊंगा तो मैं कैसे मेरे बिजनेस से वक्त बाहर निकाल के मेरे लोगों से काम करवाऊंगा। अगर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं, हमारा रेस्टोरेंट है, और अगर मैंने रेसिपी डिसाइड अच्छे से नहीं किया कि ये रेसिपी के हिसाब से आपको पिज्जा बनाना है, तो अगर ये रेसिपी नहीं है तो फिर तो मैं वो जो अपना शेफ है, कुक है, उसके मूड पे डिपेंड हो जाऊंगा, आज अच्छा बना कल अच्छा नहीं बना, तो फिर कस्टमर कैसे, मेरे ग्राहक का। तो मुझे वो चेकलिस्ट, सिंपल चेकलिस्ट बनाओ, मैं सबको बताऊं सिंपल चेकलिस्ट बनाओ, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा कुछ, बड़ी कंपनी के लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए ही है। और चेकलिस्ट आपके लिए बनाना बहुत सिंपल है क्योंकि आप तो रोज यही काम करते हैं। आप जो काम करते हैं उसको मैं बोलता हूँ आप खाली एक पेपर पे लिख लीजिए, एक अच्छे से ऑर्डर में लिख लीजिए और आपके जो काम करते हैं उनके साथ शेयर करिए कि ये ऐसे काम करना है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, चेकलिस्ट। पायलट भी विमान में जाता है तो वो चेकलिस्ट उसके पास होता है, वो टिक 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 करता है, बाद में विमान का जो इंजिन है वो शुरू कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता है। तो हमारा जो कंपनी है, हमारा व्यापार है, वो पायलट चलाने से कम नहीं है। हम अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, हम तो बोलते हैं हमारा व्यापार इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी के पर हमारे जिंदगी है, हमारे लोगों की जो सारे सपने हैं वो सारे साकार इसी से होने वाले हैं। तो एग्जीक्यूशन पे थोड़ा ध्यान दो, छठा पिलर ये है। और सातवां है फाइनेंस, जो हम सब करते हैं बिजनेस के, हमको क्या मेरा सेल हुआ, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ। मुझे एक छोटा सा हर महीने एक जो हम बोलते हैं MIS रिपोर्ट, मेरे कंपनी के लिए जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें जो समझ में आता है, जिससे मैं समझ सकता हूं कि मेरा जो व्यापार है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, कहाँ पे कुछ तकलीफ हो रही है, कहाँ पे खर्चा मेरा बढ़ रहा है,
मैं क्यों एक साल के बाद देखूं मेरा अकाउंट, क्यों मैं हर महीने नहीं देखूं, हर तीन महीने नहीं देखूं कि भाई मेरा कहां पर, मेरे टॉप 10 कस्टमर कौन से हैं, मैं क्यों नहीं देखूं, मैं क्यों नहीं देखूं कि मेरा जो रिकवरी है, पैसा लेना बाकी है, एक महीने से ज्यादा किसने पैसा नहीं दिया है। वो मेरे को हर महीने एक मेरा जो भी मुझे समझ में आता है, मेरे धंधे के हिसाब से जो मुझे चाहिए, मैं क्यों एक ऐसा छोटा सा रिपोर्ट बना के मेरे अकाउंटेंट को नहीं बोलूं कि भाई ये हर महीने मुझे मिलना चाहिए। अच्छा। जिससे मुझे मेरा व्यापार कैसे चल रहा है वो मुझे समझने में मदद होए और उसके बेसिस पे मैं कुछ मेरा व्यापार आगे बढ़ाने में कुछ कदम ले सकूं, ठोस कदम ले सकूं। तो ये 7 पिलर है, 7 तो 7 पिलर नवीन जी, 7 तो 7 पिलर में हमको अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी है, अच्छे से प्लानिंग बनानी है। एक भी पिलर अगर वीक है, कमजोर है, मेरा मार्केटिंग का पिलर कमजोर है तो नहीं चलेगा, मेरा एग्जीक्यूशन का पिलर कमजोर है तो नहीं चलेगा, मेरा फाइनेंस का कमजोर है नहीं चलेगा। मैं ये बोलता हूँ नवीन जी, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा बॉडी बहुत फिट है, खाली हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, चलेगा नहीं। अगर हार्ट में प्रॉब्लम है तो बॉडी फिट नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, खाली मार्केटिंग में प्रॉब्लम है। अगर मार्केटिंग में प्रॉब्लम है तो आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है सर। आज अगर चल रहा है तो कल आके कहीं ना कहीं पे वो रुक जाएगा, कहीं ना कहीं पे वो आपको तकलीफ देगा। तो 7 तो 7 पिलर जो है उसके पर हमको अच्छे से ध्यान देके, हमारा जितना बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, जितना हमारा बजट है, जिसके पर जो है, मैं सोचता हूँ कि उसके पर लोग सोचे और एक सोच समझ कर एक उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो बनाए। अगर उतना काम करेंगे ना तो मुझे लग रहा है उनका व्यापार जो आज है उससे कहीं ज्यादा बेहतर होने का संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और हम फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा डीप डाइव करेंगे कि अभी छोटे और मध्यम व्यापारों के वृद्धि के योजनाओं का समर्थन करने के लिए उन्हें कौन सी वित्तीय रणनीतियों, मतलब स्ट्रेटजीज का विचार करना चाहिए, बिकॉज दिस प्लेस ए क्रूशियल रोल। या तो नवीन जी, फाइनेंस फील्ड में तो मैंने 30 साल काम किया है और मैंने तो यही काम किया है फाइनेंस फील्ड में, और मैंने बहुत लोगों को ऐसा फाइनेंस में धंधा अच्छा होने के बावजूद फाइनेंशियल मिसमैनेज अगर हो गया, जो बोलते हैं ना, तो मेरा अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं बिजनेस में। अभी कोई स्टैंडर्ड ऐसा आंसर नहीं है, लेकिन हर एक का व्यापार कौन सा है, कैसा है और क्या स्केल पर है, उसके पर उनको एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हर एक व्यापारी को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फाइनेंस के बारे में। आपके पास आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपका अकाउंटेंट है, जो भी है वो है, लेकिन अगर आपको बेसिक नंबर समझ में आने ही चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि आपको आपका धंधा जो है वो बराबर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका फिर वो कंट्रोल नहीं रहेगा धंधे में। तो फ्यू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने जैसे बोला MIS रिपोर्ट हर महीने आपको देखना ही देखना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है डिस्कशन करने की, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको आपका धंधा समझ में नहीं आएगा। ये रिपोर्ट आने के बाद क्या करेंगे, उसको थोड़ा एनालाइज करना है, उसको पर थोड़ा चिंतन करना है, उसको समझना है कि मेरा गया महीने में क्या था नंबर, ये महीने में नंबर क्या है, मैं आगे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, कि मैं सेम गति से वही जा रहा है, स्टेग्नेंट हो गया हूं, मैं सेम जा रहा हूं। अच्छा, दो चीज, रेशियो, कुछ रेशियो होता है कि मेरा मार्जिन क्या है, मेरा प्रोडक्ट का मार्जिन क्या है, वो एक कर सकते हैं। हमको ये भी समझ में आना चाहिए कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कितना सेल तो मुझे होना ही चाहिए वरना मेरा लॉस होगा, उसके ऊपर जो सेल होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेरे को ये भी समझना चाहिए मेरा ओवरड्यू, मैंने बोला रिसीवेबल कितना है, मेरा इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री मेरा स्टॉक, कभी कभी होता है कि स्टॉक मेरा है लेकिन अगर वो स्टॉक जैसे ही पुराना होते जाता है वो स्टॉक का मार्केट वैल्यू कम हो जा रहा है, मेरा बैठे बैठे लॉस नुकसान हो रहा है,
तो मुझे समझना चाहिए कि जैसे ही स्टॉक थोड़ा पुराना होते जाए, मुझे कोई तो ऐसा स्कीम लाना पड़ेगा कि स्टॉक मेरा लिक्विडेट हो जाए। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। मुझे MIS रिपोर्ट चाहिए, मुझे एक समझ में ये भी आना चाहिए कि कैश फ्लो क्या है। कभी कभी मेरा धंधा अच्छा है लेकिन मेरा प्रॉफिट जो होता है वो मेरा कैश फ्लो कम है। कैश फ्लो यानी मेरा ग्राहक से रिकवरी फास्ट नहीं होती है, मेरा इन्वेंट्री रुक गई है, मेरा कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। तो मेरे को ऐसा ग्राहक के साथ ऐसा टर्म्स ऑफ पेमेंट होना चाहिए कि जे मैं मेरा अगेन मैं बोल रहा हूँ कौन से सेक्टर में मैं काम करता हूँ, मेरा आजू बाजू का कॉम्पिटिशन में भी क्या सबके पॉलिसी है वो भी एक मायने रखती है। लेकिन मेरा कैश फ्लो ऐसा होना चाहिए कि जे मैं कैश पॉजिटिव रहूं, मेरे को कम से कम बैंक लोन लेनी पड़े अगर लोन लेनी पड़े, क्योंकि बैंक अगर लोन ले ली तो दैट मीन मेरा फाइनेंस कॉस्ट मेरा और ऐड हो जाएगा मेरे बिजनेस में। तो अपफ्रंट जितना मैं पेमेंट ले सकूं मुझे उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली ध्यान देना चाहिए। मेरा कोऑर्डिनेशन टीम में अच्छा होना चाहिए कि जैसे ही मेरा काम हो गया मेरा बिल जाना चाहिए कस्टमर को, और जो भी मेरा टर्म्स ऑफ पेमेंट है 15 दिन 30 दिन मेरे को ऐसा एक सिस्टम लाना चाहिए कि वो फॉलो अप करके मुझे पैसा मेरा पैसा आ जाना चाहिए। तो MIS रिपोर्ट, कैश फ्लो, मेरा कॉस्ट शीट, मेरा कॉस्ट शीट क्या है, मेरा कॉस्टिंग क्या है और मेरा मार्जिन क्या है, ये सारी चीज स्ट्रेटेजी, फाइनेंस की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन से व्यापार में मैं हूँ, कितने स्केल पर हूँ, मैं मैन्युफैक्चर में हूँ, मैं रिटेल स्टोर में हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, हर एक के लिए वो चीज अलग अलग होंगी। हाँ, लेकिन उसके ऊपर काफी सारा ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे बात बताए आपने, बहुत डिटेल्स शेयर करें। और दूसरा सवाल ये है कि आपके क्लाइंट्स का जो भी सक्सेस स्टोरीज है ना, किन में से एक एक सक्सेस स्टोरी आप शेयर कीजिए, कैसे उसका व्यापार स्केल अप हुआ। काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काफी सारी काम किया हुआ है थैंकफुली। एक चीज जो मैंने देखी है, कभी कभी हमारे जो टीम है, मैं हमेशा सोचता हूँ हमारी जो टीम है वो टीम ही मुझे सक्सेस दिला सकती है, मैं खुद से कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूँ, मुझे करना है लेकिन मेरे को टीम को इंस्पायर करना बहुत जरूरी है, टीम को मोटिवेट करना जरूरी है। और ये टीम मोटिवेशन में काफी सारी चीज है, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंसेंटिव। लोगों का भी एक सपना है पैसा कमाने का, और लोग भी अपने साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके भी सपने साकार करने हैं। मैं सोच रहा हूं हम एक अच्छा इंसेंटिव स्कीम हमने लाया, एक कंपनी थी जो अपने लोन वितरण में सबको हेल्प करती थी और बैंक से लोन लेना है तो वो सब करती थी। हमने क्या किया, एक लेवल कि ये लेवल का तो हम काम करते ही है, ये लेवल के अगर ऊपर काम किया, हमने बोला चलो हमारा 10 करोड़ का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं दे रहा, 10 करोड़ का लोन तो हम दे ही रहे हैं हर महीने, उसके ऊपर का अगर ये क्वार्टर में 30 करोड़ के ऊपर का किया तो सबको एक इंसेंटिव स्कीम हमने कर दिया। और इंसेंटिव स्कीम खाली हम लोग व्यापारियों का सोच क्या रहती है बहुत बार, कि जो सेल लाता है उसको इंसेंटिव मिलता है, जो एग्जीक्यूशन करता है उसको इंसेंटिव का अपना दिमाग उतना नहीं है, हम यही सोचते हैं कि जो सेल लाएंगे तो उनको इंसेंटिव देंगे। हमने थोड़ा हटके किया, सेल वाले को तो मिलेगा लेकिन जो एग्जीक्यूशन वाला है उसको भी डिवाइस किया, पूरा स्ट्रेटेजी डिवाइस किया कि इतना इतना इंसेंटिव मिलेगा, मैं जो करता हूं वो करता हूं, उसके ऊपर अगर काम किया तो सारे स्टाफ में इंसेंटिव बांटने का हमने स्ट्रेटेजी डिसाइड किया। नवीन जी आप मानोगे नहीं, स्टाफ में जो एनर्जी आ गई और अच्छा इंसेंटिव स्कीम हमने किया, ऐसा नहीं है कि भाई छोटा मोटा करके खाली ये कर लिया, तो एनर्जी आ गई, जो कॉपरेशन हो गया, जो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करने लगे, तो पूरा ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर था वो पूरा वाइब्रेंट हो गया, चेंज हो गया, सब उत्साह से ज्यादा काम करने लगे और उनका जो परफॉर्मेंस था जो हमने सोचा था उससे बहुत जाके आगे निकल गया। तो मैं सोच रहा हूं इंसेंटिव स्कीम खाली इंसेंटिव करके छोड़ नहीं देना है, हर हफ्ते एक रिव्यू मीटिंग होनी जरूरी है। तो हम लोग हर वही बोलता हूँ एक ही चीज करके छोड़ नहीं देना है, ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, वो पूरा प्लान बना है, हर हफ्ते में आधा घंटा की एक रिव्यू मीटिंग होनी जरूरी है जिसमें आप रिव्यू ले लो,
बहुत लोग में देखते हैं कि अरे यार उसने मुझे वो लंच लेते लेते उसने वो बता दिया, वो रास्ते में वो पास हो गया, वो उसने नीचे मिल गया, गाड़ी के पास मिल गया, उसने बता दिया कि भाई ये पोजीशन है। नहीं होता है। स्ट्रक्चर रिव्यू मीटिंग सोमवार शाम को 4 से 5 बजे का एक घंटे का ये रिव्यू मीटिंग है, आधे घंटे का रिव्यू मीटिंग है, और ये स्ट्रक्चर टाइम और डेट के साथ उसमें लोग बताएंगे कि क्या प्रोग्रेस हुआ है मेरे काम का, कहां पर मुझे तकलीफ है, क्या चैलेंज मैं फेस कर रहा हूं, तो आपको भी समझ में आएगा कि काम कहां पर पहुंचा है, जो कस्टमर है उसके साथ कौन इंटरेक्शन कर रहा है, उसको भी कौन बता रहा है, और कस्टमर के साथ कौन इंटरेक्शन कर रहा है, अगर कुछ चैलेंज है तो आप अपना कुछ आप उसको कुछ सुझाव दे और उसको सॉर्ट आउट करें, टू मेक श्योर के हमने जो कमिटमेंट किया है वो हिसाब से सारा काम चल रहा है, हम हमारा कंट्रोल काम के ऊपर बढ़ जाएगा, हमको समझ में आएगा कि हमारा जो लक्ष्य है उसके ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। हम टीम को मोटिवेट करने में ये जो स्ट्रक्चर मीटिंग है वो करो, इंसेंटिव है, वो दो चीज किया, परफॉर्मेंस नवीन जी एकदम से बढ़ जाएगा। और हमारी ये कंपनी में हमने एक्सपीरियंस किया कि फिर तो लोग यू नो नेक्स्ट क्वार्टर में बोलो सर क्या इंसेंटिव है, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या इंसेंटिव है, हम लोग तैयार है करने के लिए। वो पूरा जोश आता है ना टीम में तो एक पूरा माहौल कंपनी में चेंज हो जाता है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं चला जाता है। हम तो बोलते हैं कि हमारा जो ओनर है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने बोला मले भाई बनाते हैं स्कीम, मुझे तो बहुत खुशी होती है अगर मेरे लोगों को इंसेंटिव मिले, क्योंकि मेरा भी मैं इंसेंटिव जो 10-20% जाएगा लेकिन मेरा तो फायदा ज्यादा हो रहा है, मेरा तो जो काम हो रहा है तो उसके ऊपर का ये एक्स्ट्रा बोनस का इनकम हो रहा है। तो ये दो चीज हमने की और काफी अच्छे रिजल्ट उसमें पाए। नाइस नाइस, आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल दिए। और मलाई जी मैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये कॉन्वर्सेशन और शानदार बातचीत हो रहा है हमारे बीच में, और थोड़ा मसाला ऐड करेंगे ये एपिसोड को, ये समय आ चुका है कि अपना दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करने के लिए, अगर आप तैयार है तो चलो तैयार है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो तो वह क्या कहेगा? बड़ा बिलबोर्ड रहेगा तो मैं लोगों को क्या मैसेज कहूंगा? हाँ सही है, यस। अरे यार एक ही जिंदगी है, खुल के जियो। बस ये मैं ये लिखूंगा, एक ही जिंदगी हमारे पास, खुल के जियो। ओके गुड वन। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो क्या बनना पसंद करोगे आप? अगर कैरेक्टर बनना पड़े तो मुझे वो अमूल अमूल की जो अमूल एड जो आती बेबी, है बेबी जो है मुझे वो बहुत पसंद है, वो बेबी मैं वो बनना पसंद करूंगा। गुड वन। और अगर आपको एक दिन के लिए एक नियंता बनने का मौका मिले और आप ऐसा नियम बनाना है जिसे सभी को मानना होगा तो आप क्या नियम बनाओगे आप? रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, मैं फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अगर अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बनके ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा तो आप क्या नियम बनाओगे? नवीन जी मैं ये बताऊंगा, ये नियम बनाऊंगा, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए सब मौन व्रत धारण कर ले, एक दिन के लिए कुछ नहीं बोले, मौन कर ले। मैं समझ रहा हूं अगर मौन करेंगे एक दिन के लिए तो हमको हमारे दिल और आत्मा के साथ मन के साथ हमारा जो कनेक्शन होगा वो नहीं हो सकता है, नॉइस पॉल्यूशन अलग बात है लेकिन हमारा खुद का हमारे मन और दिल के साथ कनेक्शन हो जाएगा, एक दिन के लिए मौन कर लो। नो गुड वन, आई लव्ड इट। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन से फिल्म करना चाहोगे? मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आमिर खान, 3 Idiots। All time favorite character. अच्छा, yeah. I think most people crave for that. It is a good one.
अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खाना खानी पड़े तो वो क्या होगी? आई थिंक लाइक मोस्ट अदर पीपल, दाल चावल और आलू की सब्जी. ठीक है, और आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी एक आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? फैंटेसी गैजेट, ऐसा कोई गैजेट होगा जो हमको अतीत में ले जाए और हर एक को एक बार ऐसा मौका मिलना चाहिए कि आप अतीत में जाके एक चीज चेंज करो अपनी. कोई भी एक चीज, एक ही बार जिंदगी में मौका मिल जाए कि अतीत में जाके एक चीज आप चेंज करो. बहुत क्रिएटिव है वो. ठीक है, और आखिरी सवाल, आपसे फाइनल एडवाइस और वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट जो छोटे और मध्यम व्यापार के मालिकों के लिए, आपके पास कौन सी अंतिम सलाह या प्रस्थान की बात जी, है? जी देखिए, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो हमारा व्यापार है वो खेल के जैसा है, खेल है, लेकिन ये गंभीर खेल है. ये कोई ऐसा खेल नहीं है वो जाके ऐसा ही गली में जाके हम क्रिकेट खेल लेते हैं, ऐसा खेल नहीं है. ये बहुत गंभीर खेल है, क्योंकि ये खेल में हम कैसा परफॉर्म करते हैं उसके पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है, हमारा फ्यूचर टिका हुआ है, हमारा बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, हमारा पूरा जिंदगी इसके पर टिकी हुई है. तो ये जो खेल है, मैं चाहता हूं कि ये खेल को हम पहले सीखे, अच्छी तरह से समझे, बराबर उसमें कौशल हासिल करे. अच्छा, ऐसे ही नहीं खेले हम ये खेल को, उसको सीखे, उसमें समझे, उसमें कौशल हासिल करे और उसके बाद में उसको अच्छी तरह से खेले, तो हमारी जीत पक्की है. आज नहीं तो कल हमारी जीत उसमें पक्की है. लेकिन हम ऐसा नहीं खेले जैसे कोई बच्चा खेलता है, शौक के लिए हम ये खेल नहीं खेल रहे. इसको गंभीरता से लो, उसके लिए जो भी करना पड़े वो करने का साहस रखो. पढ़ना पड़े तो पढ़ो, ट्रेनिंग लेना पड़े तो ट्रेनिंग लो, कोच करना पड़े तो कोच करो, सीखना पड़े सॉफ्ट स्किल सीखना पड़े, लीडरशिप का क्वालिटी सीखना पड़े, जो करना पड़े वो करो. लेकिन इसको गंभीरता से लो, उसको स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ, और अगर ये कुछ चीज आप गंभीरता से दिमाग, आई थिंक दिमाग से सोचना हमको ज्यादा जरूर है. हम काफी मेहनती है, लेकिन हम जो मेहनत है हम अपना उतना दिमाग में जोर कम लगाते. दिमाग पे जोर लगा के उसको स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन करो. अगर मैं बोलता हूँ, समझो, सीखो, समझो, कौशल हासिल करो, बाद में खेलो. जीत हमारी पक्की है, आज नहीं तो कल. हारेंगे भी, खेलेंगे तो हारेंगे भी, लेकिन हार से मायूस होने की जरूरत नहीं है. खेलते रहना है हमको, कौशल हासिल करते रहना है, इंप्रूव होते रहना है, हमारी जीत पक्की. सही है, बहुत पावरफुल एडवाइस दिया है आपने. और आपके बुक के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत. जी जी, मैं 2 साल पहले सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कोई बुक लिखूंगा. वो तो एक सपना भी नहीं था, क्योंकि वो दिमाग में ही नहीं था कि मैं कोई बुक लिख सकता हूँ. तभी ये पेंडेमिक हुआ कोविड का, तो कुछ काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर सोचा, किसी दोस्तों लोगों ने सलाह दी और मैंने कुछ लिखना एक साहस करके, क्योंकि कुछ काम नहीं था, एक साहस करके लिखना शुरू किया. यही एक क्या बोलते, मैजिक है. अगर कोई भी चीज आप छोटे से शुरू करते हैं ना, तो हमको भी पता नहीं है कि वो अगर छोटी चीज हम रोज करते जाएंगे तो आगे बढ़ के वो क्या चीज हो जाती है, वो हमको भी उसका अंदाजा नहीं होता है. तो वही हुआ नवीन जी मेरे साथ, एक छोटा से शुरुआत की और जाके पता चला 1 साल में तो मेरी पूरी बुक कंप्लीट हो गई. और ये मैंने कुछ नहीं किया, मेरा जो एक्सपीरियंस था 30 साल का, ये जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी के साथ जो मैंने काम किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें उनके साथ जो बातचीत हुई, उसमें मैंने जो सीखा है, उसका मैंने सारा चीज लिखते गया लिखते गया लिखते गया, उसको बाद में थोड़ा ऑर्गेनाइज किया और ये बुक रिलीज किया. बिजनेस चैंप है उसका नाम, बिजनेस चैंप फ्लिपकार्ट पर है, अमेजोन पे है, ऑनलाइन पे, सारे प्लेटफॉर्म पे है, उसका किंडल वर्जन भी है. उसमें मेरा यही कोशिश है कि वो बुक पढ़ के छोटे व्यापारियों को, अभी मैं जो शेयर कर रहा हूँ उसमें पढ़ के कुछ ऐसा आइडिया मिले, कुछ ऐसा सीखने को मिले, जिससे उनका जो लर्निंग है, उनका जो ग्रोथ का जो कर्व है, वो छोटा जल्दी हो सके,
स्पीडअप हो चुके हैं, जो मैंने जो बोल सकते ठोकरे खाते खाते जो सीखा है उनको एक ऐसा मिल जाए कि जो उनको समझ सके, छोटे व्यापारी को उनकी तकलीफों को समझ सके और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो हो सके, वैसा एक बुक लिखा है। जस्ट आपको बता दूं ये उसका ये है बिजनेस चैंप का नाम है। मस्त है, आई थिंक इट लुक्स रियली गुड एंड आई एम श्योर कंटेंट भी बहुत अच्छा। आपका 30 साल का एक्सपीरियंस पूरा एक पुस्तक रूप में है। और दोस्तों अगर आप ये बुक खरीदना चाहें तो उसका लिंक अपने शो नोट्स यानी एपिसोड डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। फील फ्री टू परचेज दैट बुक एंड आपका जो भी फीडबैक है आप मलाई जी से भी शेयर कर सकते हो। अपना मेहमान मलाई जी का लिंक्डइन यूआरएल भी है, आप उससे भी लिंक्डइन में कनेक्ट करके उनके साथ अगर कुछ सलाह लेना चाहे तो ले सकते हो। और मलाई जी आपको एपिसोड कंक्लूड करने के पहले फिर से और एक सवाल है, आखिरी सवाल, आपके पॉडकास्ट बिजनेस वेदा के बारे में भी बात कीजिए, कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं आप और उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। नवीन जी बिजनेस पॉडकास्ट जो है एक्चुअली अभी ये जो मैं सब चीज कर रहा हूँ पॉडकास्ट है यूट्यूब है जो मैंने 30 साल में कभी सोचा नहीं था कभी किया नहीं था क्योंकि अच्छा। चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई आप ये कुछ कर सकते हैं मार्केटिंग नहीं कर सकते सब नहीं कर सकते लेकिन अभी मैंने सब छोड़ दिया है और बिजनेस कोच हूँ। तो एक साल पहले रोशनी बरोनिया जो है डन फॉर यू पॉडकास्ट उनसे हमारी कनेक्शन हुआ ऑनलाइन ही, बराबर एक साल पहले 8 जुलाई 2022 को मैंने पहला एपिसोड मेरा रिलीज किया पॉडकास्ट का। थैंक्स ऑल टू रोशनी, उसने मुझे ऐसा सपोर्ट दिया, एनकरेज किया कि भाई तो मैंने शुरू किया। चलो आज मेरा 47 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं एक साल में। थैंक यू, धन्यवाद। हर हफ्ते में शुक्रवार को एक एपिसोड रिलीज होता है जिसमें मैं छोटे व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा उनको कुछ सीखने को मिले, उनको कुछ जानने को मिले, कोई केस स्टडी है मैकडोनाल्ड्स की केस स्टडी है या कोई दूसरी कंपनी की केस स्टडी है जिससे हमको वो बड़ी कंपनी लेकिन उससे सीखने के लिए हमारे लिए बहुत चीज है। ये जैसे बॉटलनेक है फाइनेंस के बारे में, हमारे जो 7 पिलर्स के जो बात किया उसके बारे में, तो छोटे व्यापारियों को कुछ ना कुछ समझ में आवे ऐसा 10 मिनट का सिर्फ एक पॉडकास्ट एपिसोड है बिजनेस वेदा पॉडकास्ट में रिलीज करता हूँ। और ये मेरा वादा है कि ये मैं रिलीज करते रहूंगा और उससे उनको कुछ उनके बिजनेस लाइफ में कुछ उनको फायदा हो, उस यही मेरी कोशिश है पॉडकास्ट की वजह से। और ये यूट्यूब में भी मेरा चैनल है मलई दमानिया के नाम पे जो जिसमें मैं छोटा छोटा क्लिप्स जो रहती है आजकल शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह उसमें भी मैं यही सब अभी नया शुरू किया है लेकिन वो वही सब शेयर करता हूँ कि उनको उसमें से कुछ न कुछ सीखने को मिले। मैंने पूरा जिंदगी छोटे व्यापारियों के साथ काम किया है तो मुझे मालूम है उनका पेन पॉइंट क्या है, क्या तकलीफ है, कहाँ पर वो रुक रहे हैं, तो उसी को नजर में रखते हुए मैं ये सारे पॉडकास्ट और यूट्यूब और लिंक्डइन जो भी है वहां पे वही सब सब मैं रिलीज करता हूँ, वही पोस्ट करता हूँ। नाइस, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और कुछ क्लोजिंग कमेंट्स, आपका आपको टीजीवी हिंदी में एक्सपीरियंस कैसे लगा? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने इनवाइट किया, आपका बहुत आभार। आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने देखा है आपका गाइडिंग वॉइस तो, और मुझे बहुत अच्छा लगा पहला एपिसोड में हिंदी में दे रहा हूँ नवीन जी। अच्छा, क्योंकि जैसे काम करते करते इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं तो इंग्लिश में, खुद वर्नाकुलर गुजराती मीडियम में मैं पढ़ा हुआ हूँ लेकिन इतने टाइम में फिर वही सब एक इंग्लिश हो जाता है, लेकिन ये हिंदी में रिलीज करने का जो आपका जो आइडिया है मुझे बहुत पसंद आया है और मैं खुद भी अभी कुछ ना कुछ मेरा एपिसोड हिंदी में रिलीज करना चाहूंगा। आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, आपने जो आप बीच में जो हास्या ह्यूमर भी लेके आते हैं, कुछ ऐसे भी सवाल पूछते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत लोगों तक पहुंच सके और जो काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत लोग उसका फायदा उठाते हैं और उठाते रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सर जी एंड हैव ए गुड डे। और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत नॉलेज भी मिला है। मैं यही यकीन करता हूँ कि ऑडियंस को भी बहुत इससे फायदा
होता है फॉर श्योर. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और रोशनी, थैंक यू वंस अगेन फॉर कनेक्टिंग मलाई जी. धन्यवाद सर. ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का श्रृंखला मलाई दमानिया जी के साथ. और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए. दोस्तों टीजीवी हिंदी और के अलावा इंग्लिश और तेलुगु में भी है, और आप इंग्लिश और तेलुगु को भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, जो भी आपका पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है वहां पे ढूंढ के सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो कम से कम अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, और शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए. और आज के ट्रिविया सेगमेंट में हम ये बात करेंगे छोटा और माध्यम एंटरप्राइजेस के बारे में. अगर हम थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में, मैंने थोड़ा रिसर्च किया मैट्रिक्स के बारे में, भारत में माइक्रो छोटे और माध्यम उद्यमों की आंकड़े के अनुसार लगभग 63 मिलियन छोटे और माध्यम उद्यम है, और छोटे और मध्यम उद्यमों का लगभग 45% भारतीय औद्योगिक उत्पादन और 40% देश के कुल निर्यात में योगदान होता है. मतलब अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट इज कमिंग फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस. और कंट्री का एक्सपोर्ट देखे तो 40% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई दिस स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस. और एक बात यह है कि MSME सेक्टर ने 110 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर दूसरा मेट्रिक ये है कि रिजर्व बैंक के अनुसार SMBs का कॉन्ट्रीब्यूशन 30% है इंडिया का GDP को. 95% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड एज SMBs. मेरा ये एक सवाल है कि अगर आप भी एक छोटे बिजनेस रन कर रहे हैं, नहीं तो मध्यम बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने स्केलिंग अप और आप कैसे कर चुके हैं, आपने आप शेयर कर सकते हैं मुझे YouTube में कमेंट्स के रूप में. नहीं तो अगर ये एपिसोड आपको कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिले तो वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं. मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करता हूँ. तो आज के लिए यही पर समाप्त करते हैं. और दोस्तों TGV हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको कोई प्रतिक्रिया मतलब सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें. हमारा ईमेल एड्रेस है कि tgvhindi@gmail.com. मैं हूं नवीन समला. आपकी हम सफर यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए. और TGV हिंदी में ट्यून करने के लिए फिर से धन्यवाद. और TGV हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. सुनते रहिए, देखते रहिए TGV हिंदी. दूसरे एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे. टेक केयर गाइस.